तुमको झक मरा के इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, आपको ये मेरा काम करना ही पड़ेगा, हम लोगों को किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इसी तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हैज टू हैव टू आप पढ़ चुके हैं प्रेजेंट में, इसका इस्तेमाल लास्ट में ना होता है नी होती है, ना पढ़ता है नी पढ़ती है, या सिर्फ ना है नी है रहता है वर्ब के साथ। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हैज़ टू और हैव टू से बनाते हैं। फिर उसका हमने पास्ट भी पढ़ा। ओके फ्रेंड्स, पास्ट यानी कि ना था नी थी ने थे। अब हम पढ़ेंगे उसका फ्यूचर। ओके फ्रेंड्स, यानी कि पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे होगा होगी होंगे। जैसे आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना होगा, आपको कल मेरे घर पर आना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम सीखते हैं सेंटेंसेस को। तुम्हें किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी होगी, तुम्हें किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी होगी, मतलब सीखनी होगी। इस तरह से सेंटेंस के अंत में रहेगा, ना होगा नी होगी ने होंगे, ना पड़ेगा नी पड़ेगी नी पड़ेगा, इस तरीके का होगा। तो उसको हम फ्यूचर समझेंगे और उसमें शैल और विल का इस्तेमाल करेंगे हैव से पहले। तो यू, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, किसी भी कीमत पर, मतलब कैसे भी करके आपको सीखना ही है, तो एट एनी कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। आपको किसी भी कीमत पर अंग्रेजी सीखनी होगी। अभी इसका नेगेटिव हम देखते हैं। उसे इस साल परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। नेगेटिव में नहीं होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो ही, हम सीधा हम ओंट लिखते हैं। ओके, विल नॉट नहीं लिखकर हम सीधा उसका शॉर्ट फॉर्म ओंट लिख रहे हैं। ओंट मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो ही ओंट हैव टू टेक एग्जाम दिस ईयर। अभी इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव आप तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे शुरू होने वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो क्या मुझे उससे मिलना पड़ेगा या क्या मुझे उससे मिलना होगा, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई अगर सब्जेक्ट है तो इसका शैल लगेगा। शैल आई हैव टू मीट हिम। अभी क्वेश्चन वर्ड है, उन लोगों को वहाँ क्यों जाना होगा। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड रहता है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं व्हाई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उन लोगों को है तो दे। व्हाई विल दे हैव टू गो देयर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि ना होगा नहीं होगी, ना पड़ेगा नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेंगे, इस तरह के जब सेंटेंसेज आते हैं तो वो फ्यूचर के होते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को फ्यूचर बनाने के लिए उसमें शैल और विल का लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने बना के दिखाया भी आपको, आपको समझ में आ भी चुका होगा। तो अभी हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस। ओके फ्रेंड्स, आपको कल मेरे घर आना होगा। यू विल हैव टू कम टू माई हाउस टुमारो। तुम्हें दवाई नहीं खानी पड़ेगी। यू वॉन्ट हैव टू टेक मेडिसिन। क्या मुझे यह करना पड़ेगा, तो शैल आई हैव टू डू दिस। आपको वहाँ क्यों जाना पड़ेगा, व्हाई विल यू हैव टू गो देयर। क्या मेरे भाई को स्कूल आना पड़ेगा, विल माई ब्रदर हैव टू कम टू स्कूल। क्या उसे गीत गानी होगी, विल ही हैव टू सिंग सॉन्ग। आपको क्या करना होगा, व्हाट विल यू हैव टू डू। हमें उसे पीटना पड़ेगा, वी शैल हैव टू बीट हिम। तुम्हें उससे बात नहीं करनी पड़ेगी, यू वॉन्ट हैव टू टॉक टू हिम।
क्या हमें मैच खेलना पड़ेगा? शैल वी हैव टू प्ले मैच? तुम्हें गीत गाना पड़ेगा। यू विल हैव टू सिंग सॉन्ग। तुम्हारे भाई को मेरे साथ आना पड़ेगा। योर ब्रदर विल हैव टू कम विथ मी। आपको मेरे साथ ठहरना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे विद मी। मुझे उस कुत्ते को जान से मारना पड़ेगा। आई शैल हैव टू किल दैट डॉग। क्या हमें नदी पार करनी पड़ेगी? शैल वी हैव टू क्रॉस द रिवर। तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? वेयर विल यू हैव टू गो। हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको दूध पीना पड़ेगा। यू विल हैव टू ड्रिंक मिल्क। आज मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। टूडे आई शैल हैव टू स्लीप अर्ली। क्या मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा? शैल आई हैव टू ओपन द डोर। मुझे कुछ कुर्सियाँ खरीदनी पड़ेंगी। आई शैल हैव टू बाई सम चेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कीजिए और इसका इंग्लिश बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही अच्छा वे है, आप इस वे से ज़रूर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए और हमारे वीडियो को उन लोगों तक शेयर भी किया कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी हम आज का होमवर्क देखते हैं। तो ये रहा आज का होमवर्क, आप अच्छी तरह से इसको समझकर बना लेना इंग्लिश में और नेक्स्ट क्लास में जो इसका हम आंसर बताते हैं उसे आप टैली भी करते जाना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।